अब नॉर्थ ईस्ट न दिल्ली से दूर है और न ही दिल से दूर है। ये युग परिवर्तन का समय है, ये नया इतिहास रचे जाने का समय है। मैं नॉर्थ ईस्ट की शांति, समृद्धि और विकास का ये समय देख रहा हूं। मुझे याद है कि कुछ दिनों पहले जब मैं नॉर्थ ईस्ट गया था तो किसी ने मुझे बोला कि मोदी जी, आपको अपनी हाफ सेंचुरी के लिए बहुत बहुत बधाई। तो मैंने उनको पूछा कि भाई ये कैसी हाफ सेंचुरी आप बता रहे हैं। तब उन्होंने मुझे बताया कि जब से बोले आप प्रधानमंत्री बने हैं, आप 50 से भी ज्यादा बार नॉर्थ ईस्ट का विजिट कर चुके हैं, जो अभी नड्डा जी बता रहे थे। साथियों, सवाल बधाई का नहीं है, लेकिन जब एक नागरिक मुझे ये कह रहा था तब मैं अनुभव कर रहा था कि जाने मात्र से इसके दिल को कितना सुकून मिला है, नॉर्थ ईस्ट के इलाकों के दिलों में कितना प्यार उमड़ करके आया है, उसकी वो अभिव्यक्ति थी। और तब मुझे लगता था कि मेहनत कभी न कभी तो रंग लाती है। चुनाव जीतने से भी ज्यादा मुझे इस बात का संतोष है कि प्रधानमंत्री के कार्यकाल में बार बार नॉर्थ ईस्ट जाकर के मैंने उनके दिलों को जीता है और वो मेरे लिए सबसे बड़ी जीत है। मुझे ये संतोष भी हुआ कि पूर्वोत्तर के लोगों को ये एहसास हो रहा है कि अब उनकी उपेक्षा नहीं होती। केंद्र की भाजपा सरकार में नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को भी उतना ही महत्व मिलता है। साथियों, आज बहुत सारे पॉलिटिकल विश्लेषक बीजेपी की सफलता को समझने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ हमारे विशेष शुभचिंतक भी हैं। इन विशेष शुभचिंतक जिनके पेट में ये सोच सोच करके दर्द होता है कि बीजेपी की जीत का राज क्या है, साथियों में ज्यादा तो टीवी देख नहीं पाता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि शायद अब तक मैंने देखा नहीं है कि ईवीएम पर कोई गाली पड़नी शुरू हुई है कि नहीं हुई है। लेकिन ऐसे हर शुभचिंतक को मैं बीजेपी की सफलता का रहस्य बताना चाहता हूं। भाजपा के विजय अभियान का रहस्य छिपा है त्रिवेणी में। त्रिवेणी यानी तीन धाराओं का संगम। इस त्रिवेणी की पहली शक्ति है भाजपा सरकारों का कार्य। इस त्रिवेणी की दूसरी शक्ति है
भाजपा सरकारों की कार्य संस्कृति और इस त्रिवेणी की तीसरी शक्ति है भाजपा के कार्यकर्ताओं का सेवा भाव। ये त्रिवेणी मिलकर भाजपा की शक्ति को 1+1+1 यानी 111 गुना बढ़ा देते हैं। हमने देश को एक नई राजनीति दी है, राजनीति की एक नई संस्कृति दी है। हमने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, एक नया विकास मॉडल देश को दिया है। हमारे काम के तौर तरीकों में कोई भेदभाव नहीं होता। हम सबके विकास में भरोसा करते हैं, हम सबके लिए सेवा भाव से काम करते हैं। हमारी प्रेरणा है एक भारत श्रेष्ठ भारत। भाजपा का विकास मॉडल देश हित को सर्वोपरि रखता है। हमारे लिए देश प्रथम है, देशवासी प्रथम है। साथियों, हमारे देश में हमेशा से एक और पॉलिटिकल मॉडल रहा जिसमें पहले ऐसा कहते थे कि जो दूरदृष्टा होते हैं, स्टेट्समैन होते हैं, वो आने वाली पीढ़ियों का सोचते हैं और पॉलिटिशियन के लिए कहा जाता था कि वो अगले चुनाव का सोचते हैं। तो मुझे किसी ने एक बार कहा तो मैंने कहा अब कहावत और बदल गई है। बोले क्या? मैंने कहा पहले जो स्टेट्समैन होते हैं वो अगली पीढ़ी के लिए सोचते हैं। पहले कहा जाता था कि पॉलिटिशियन अगले चुनाव के लिए सोचते हैं, लेकिन आज तो समय ऐसा बदल गया है कि पॉलिटिशियन दूसरे दिन के अखबार में क्या छपेगा इस पर ही सोचते रहते हैं। शाम को टीवी में उनकी तस्वीर आएगी कि नहीं, यही सोचते रहते हैं। और इसलिए जो आसान चीजें होती हैं, जो जरा मुंह में पानी छूट जाए ऐसी चीजें होती हैं और जिससे लोगों को आसानी से गुमराह किया जा सकता है, उसी मॉडल पर चलने की फैशन बढ़ रही है।